मैं तुम्हारे शौहर की मर्जी के बगैर कहीं नहीं ले जा सकता। तुम्हें अशर से पहले ही माजरत कर लेनी चाहिए। तायबू, देखो मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए ये छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हाय उमर, जो याशी तुम कर रही थी वो जाके तुम्हें याशी कर सकती हो। इस घर में तुम्हारी जगह नहीं। अर्शद साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं। क्या बोल रहे हैं आप? उन्हें ब्लड कैंसर हो गया है। मन माने ना, मन माने ना। मेरा इंतजार तो बहुत करना पड़ा होगा ना तुम्हें? नहीं, अभी भी आया था। पर मेरा प्लेन तो एक घंटा लेट था। जैसे एक प्लेन एक घंटा लेट था, उस तरह मैं भी एक घंटा लेट था। और अगर मैं जल्दी आ जाती तो क्या होता? मुझे पता तुम इतनी नाजुक मिजाज नहीं हो। वैसे भी कराची में बस और वैंस के लिए तो तुम घंटों वेट करती हो रोडों पर। ये तो फिर एयरपोर्ट था। अच्छा मुझे बताओ हम कहाँ जा रहे? घर जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? घर पर नहीं जा रहे हम। हम पहले किसी अच्छी सी जगह पे जाकर खाना खाएंगे, उसके बाद हम घूमेंगे फिरेंगे, फिर घर जाएंगे। ओके वेल, दो दिन से मैंने बहुत ज्यादा काम किया है तो मैं तो ये सोच रहा था कि घर जाके सोने को मिलेगा थोड़ा सा। नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। जब तक मैं हूँ ना यहाँ पे हम खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, फिर जब मैं चली जाऊंगी तुम अकेले रह जाओगे तो सो जाना। वैसे भी शादीशुदा जिंदगी में और तुमने करना क्या है? खैर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी जा रही है? अभी जा रही हो ना घर, देख लेना नजर आ जाएगा। तुम्हारी बीवी तो मेरे आने का सुन के ना खूब लाल पीली हो गई होगी। वो भी तुम्हें नजर आ जाएगा। तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे, बिल्कुल अपनी बीवी जैसे हो गए उसके साथ। मेरी बात सुनो, मुझे आज के बाद उससे मत मिलाना, और अगर मिलाया तो गाड़ी कहीं दे मारूंगा तुम समेत। अच्छा भाई ठीक है, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी बुरी लगती है। आराम से चलो, इतना खौफनाक सा पुल है। रुको पकड़ने दो मुझे, गिर जाएंगे हम यहाँ से नीचे। नहीं गिरेंगे, मत डरो। वैसे मैंने एक बात सुनी है कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं जो बहुत खुले फिर रहे होते हैं। जानवरों को पता नहीं? हाँ हाँ, एक बंदरिया है मेरे साथ। वो वैसे मुझे क्या तुम्हारे लिए कोई बंदर ढूंढना पड़ेगा? जी नहीं, तुम्हारे होते हो मुझे किसी और बंदर की जरूरत नहीं। ए, मुझे बंदर नहीं बोलना ठीक है ना? तुम्हें पता नहीं है लड़कियों के हाथों खून हो सकता है तुम्हारा। अच्छा लड़कियों के हाथों या फिर सिर्फ एक लड़की के हाथ से? लड़कियों के हाथों। मेरी पॉपुलैरिटी का अंदाजा नहीं है शायद तुम्हें। खुशफहमियां। एक लड़की तो कराची से मरी आ गई है। है कौन? अच्छा ऐसे पता है दिल, तुम्हारे होते हुए ना कोई बोर नहीं हो सकता। हाँ जानता हूँ, तुम मुझे बोर मत करो। मैं बोर थोड़ी कर रही हूँ, देखो कितनी अच्छी जगह। चलो पिक्चर्स लेते हैं। चलो चलो चलो। बेगम साहिबा, साहब का दोपहर को फोन आया था कि किसी मेहमान के साथ वो मरी के लिए निकल चुके हैं, पर अब तो रात के 8 बज गए हैं, अभी तक साहब नहीं आए। खुदा खैर करे। तुम फिक्र मत करो, वो जिनके साथ हैं उनको वापसी पे देर भी हो सकती है। खाना तैयार है? हाँ बेगम साहिबा, कब का तैयार है? मेरे लिए खाना लगा दो। अब मेहमान का इंतज़ार नहीं करेगा? नहीं, वो मेरे मेहमान नहीं है। तुम जाओ खाना लगाओ। अभी हम गरम करके लगाते हैं। अरे तुम आ गई, ऐसा करो तुम वहां रख दो, मैं दूसरे सामान लेकर आती हूँ। आलिया जी। अब्बा
अपना बेटा ये कुछ जाओ तुम अंदर ले आके रख दो। वेलकम। कितना अजीब सी जगह है यहाँ पे, इतने कीड़े हैं और इतनी ठंड भी है और घर भी अजीब, मुझे मरी का घर तो नहीं लग रहा, लग रहा है पता नहीं कराची में वापस आ गई हूँ। तुम्हें ये भी पसंद नहीं आ रहा तो क्या बकिंगम पैलेस में स्टे कराऊं? नहीं पर फिर भी। असलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमको बहुत फिक्र हो रहा था, आप लोगों ने बहुत देर कर दिया। हाँ रास्ते में कुछ फंस गए थे। मेरे नौकर कुछ ज्यादा नहीं सर पे चढ़े हुए। अरे ये कुछ भी नहीं है, गुलेराना ने इनको खाला बनाया है। बना सकती है वो। खाना तैयार है? साहब आप हुक्म करें तो हम अभी लगाते। आधे घंटे में मैं जरा फ्रेश हो लेता हूँ। और पानी लगा, पूछो इनको। जी साहब। पानी लाए आपके लिए? हाँ पानी भी लाओ, चाय भी लाओ, खाना भी तैयार करो। जी। ओह हेलो। वो आपने अभी तक खाना नहीं लगाया मेरा? हम अभी लगाते हैं। पहले मेरे लिए चाय ले आए और मुझे ये बताएं कहाँ है मेरा कमरा। जी आ जाए हमारे साथ। बताएं चलें। आ जाए। चले हैं कहाँ है? आ जाए। ये आपका कमरा। अच्छा ठीक है, मेरा सामान लेके आए बाहर से, वो बाहर ये खुलाया नहीं है मेरा सामान। ठीक है जाए। जी कुछ मिठाई और सामान है, देख लेना अगर कोई कमी पेशी हो तो मुझे बता देना, मंगवा लूंगा मैं। नहीं नहीं अब्बा, बहुत मिठाई है। अब्बा आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे इकलौते बेटे की शादी है, मैंने सोचा मैं भी तैयार हो जाऊं। बहुत खुश हूं आज मैं। आलिया पुराना राना 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 एक मिनट बात सुनना मेरी। सर जी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो आज। किस चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे। बस दुआ की जरूरत है आपकी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं हमेशा। ठीक है मुझे बता देना कुछ भी कमी बेशी हो तो। और हाँ फिक्र नहीं करना किसी चीज की, तुम्हारा कमरा मैं अपनी आंखों के सामने खुद तैयार करवाऊंगा। कम से कम आज तो बाप को गले लगा लो। ठीक है मुझे भी इन कामों में लगा दिया, करके काम कौन करेगा, किस चीज की कमी हो तो बता देना मुझे। भाई तुमने देखा अब्बा को? अब्बा तुमने देखा आलिया, अब्बा ने प्यार से बात की आज मेरे साथ, गले लगाया है मुझे, अब्बा ने मुझे गले लगाया है आलिया।
बचपन से लेके आज तक मेरी ख्वाहिश थी कि अब्बा मुझसे प्यार से बात करें, मुझे गले लगाएं, उनकी आंखों में शफकत हो मेरे लिए। तुमने देखा आज थी ना अब्बा ने गले लगाया है मुझे, गले लगाया है मुझे। बीबी बीबी कहां गई है ये? कोई सामान नहीं है वहां पे, इस घर में मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं हो सकता है, ढूंढो उसे। सब हमको पता नहीं, अभी देखते हैं। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं यही हूँ आपके घर में। हाँ, आपका कमरा खाली कर दिया है, आप चाहें तो मारिया को अपने बेडरूम में जगह दे सकते हैं। What? ये क्या बकवास करके गई है? किस किस्म की बेहुदा बातें करी है तुम्हारी बीवी? क्या समझती है मुझे? इंसल्ट करी है तुम्हारी बीवी मेरी? उसको छोड़ो, तुम प्लीज बैठो, अपना मूड ना खराब करो, बैठो, खाना खाओ। खाना बीवी जाके मारिया का रूम सेट करो जल्दी से। जी साहब, हम अभी करते हैं। ये मामू की पसंद जिस पे बड़ा नाज करते हैं, बात करने की तमीज तो है नहीं इसमें। तुम छोड़ो ना, रिलैक्स, खाना खाओ, क्यों मूड खराब कर रहे हो? तुम लो ना, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। स्ट्रेस। बेगम साहिबा, ये जो औरत आया हुआ है ये कौन है? साहब की कजिन है। क्यों तो आप यहाँ क्यों आ गए? आप तो इस घर का मालकन है, आपको हिम्मत नहीं आना चाहिए। ये जो कुछ भी है मेरा कभी था ही नहीं। बेगम साहिबा, आप दोनों मियाँ बीवी है, किसी दूसरी औरत को नहीं आना चाहिए। ये तो बहुत पहले से हम दोनों के दरमियान थी। बेगम साहिबा, ऐसा ना करो, वो तुम्हारा खावंद है, अपने हक के लिए लड़ो, मुकाबला करो, किसी दूसरे को नहीं आने दो। आपने देखा नहीं वो कैसे साहब के साथ बैठ के खाना खा रहा था? आपको बुरा नहीं लगा? और साहब ने आपको बोला ही नहीं? नहीं पूछता तो ना पूछे, मैं मरी तो नहीं जा रही कोई। अच्छा बेगम साहिबा, अब हम चलते हैं, बहुत ठंड भी हो रहा है और देर भी। खुदा क्यों जिंदगी के हाथ से झूठे किनारे, डर है कहीं खो जाए ना अपने हमारे। मेरा शौहर है जो मेरे बारे में हमेशा शक व शुबात का शिकार रहता है। और खुद का कैरेक्टर क्या है? आधी रात को अपनी कजिन के साथ कमरे में मूवी देख रहा है, बातें कर रहा है, गप्पे लगा रहा है। और मैं यहां, वहां सब लोग मेहंदी की रस्म कर रहे होंगे, कितने खुश होंगे। अगर मुझे पता होता ना कि मारिया यहां पे आने वाली है तो कभी भी ना रुकती, यहां जाती और अशर भाई की शादी अटेंड करके आती। मगर ये रिश्तों की जंजीरें, ये कैसे जा सकती थी? क्यों क्यों नहीं जा सकती थी ना? जब सबको अपनी खुशियां मनाने का हक है तो मुझे क्यों नहीं? दिल साहब, मैं बख्शूंगी नहीं, मारिया को यहां पे आना ना बहुत महंगा पड़ेगा। वैसे गई कहाँ थी? कौन थे वो लोग जो तुम्हें छोड़ने आए थे? काफी पुरानी जान पहचान लग रही थी। जवाब क्यों नहीं दे रही हो मेरी बात का? वो जो लोग भी थे आपसे कहीं ज्यादा इंसानियत थी उनमें, अच्छे लोग थे। वैसे तुम्हारी वजह से काफी इंसल्ट हुई है मेरे मेरे दोस्तों के सामने, गलती मेरी है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाता।
कितनी बदतमीज है तुम्हारी बीवी, जवाब भी नहीं देती तुम्हारी बातों का। पता नहीं कैसे गुजारा करते हो तुम उसके साथ। यही अब मैं सोच रहा हूँ। छोड़ क्यों नहीं देते इसे? क्योंकि अगर इसे मैंने छोड़ दिया तो इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और वो मैं होने नहीं दूंगा। तुम्हारी बीवी ने तुमसे सेपरेशन की ख्वाहिश जाहिर की है, पता नहीं कैसे गुजारा करते हो तुम उसके साथ। तुम खुद को और अपने टाइम को जाया कर रहे हो, ये लम्हे जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते। सही कह रही हो। बेगम साहिबा, बहुत ठंड है, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं, पिएगा? अभी ला दो। वैसे तुमने अच्छा किया, एक अलग रूम की डिमांड कर ली। मैंने सोचा मैं बोलूंगा तो तुम बुरा महसूस करो। लेकिन ये रूम ज्यादा देर तक खाली नहीं रहेगा। मैंने दूसरी शादी करने का प्लान कर लिया मारिया से। ये फैसला तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आप और मारिया बने एक दूसरे के लिए। तुम्हारी राय नहीं मांगी है, इन्फॉर्म किया। लेकिन मेरे लिए तो बहुत खुशी की खबर है। लेकिन तुम ये मत समझना मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। अगर मेरी किस्मत में आजादी लिखी है तो आप कितना ही जोर लगा लें, मुझे अपने पास कैद नहीं रख सकते। तुम्हारी किस्मत मेरी मुट्ठी में। मेरी किस्मत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में। शौहर की नाफरमानी करने वाली लड़की खुदा से उम्मीद करती है। दूसरों के हकूक से बेनियाज शख्स अपने हकूक के लिए इतना हसास, हैरत हो रही है मुझे। मैं से ज्यादा मजीद बात नहीं करना चाहता, फजूल बातें करती हो। अब मेरा यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं मिलता, मुझे चले जाना चाहिए। मन माने ना, मन माने ना, करता फिरे मन मानिया। संग दिल बढ़ाए लम्हा हुआ है, वादों का दर्पण टूटा हुआ है। बेगम साहिबा, आप हमारा बात मान लें, आप अपना घर छोड़कर ना जाए, दूसरा औरत को घर ना दो, वो बहुत बुरा औरत है। मेरा शोहर ये घर दूसरी औरत को सौंपने का फैसला कर चुका है। मैं इस घर में मजीद रह के अपनी जिल्लत नहीं उठा सकती। बेगम साहिबा, आप अपने खावन से बात करो, उनको मनाने की कोशिश करो। हमको पता है आपका कोई कसूर नहीं है, फिर भी आप उनसे माफी मांग लो। मैं बेकसूर होते हुए कभी भी उस शख्स से माफी नहीं मांग सकती जिस शख्स को खुदा के कानून तोड़ते हुए जरा सी भी शर्म ना आए। तुम परेशान हो तो मेरे लिए। आप कहाँ जाएगा? बड़े साहब के घर भी जाएगा ना, वो भी बहुत नाराज होंगे।
खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, मुझे कहीं ना कहीं ठिकाना जरूर मिल जाएगा। और वैसे भी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी अम्मी मेरी बहन है मेरे साथ। तुम अकबर चाचा से कहो कि टैक्सी ला दें, और एक बैग मेरा कमरे में भी है, वो भी रखवा दें उसमें। अच्छा बेगम साहब, हम अभी बोल कर आते। मन माने ना, मन माने ना, करता फिर मन मानिया, जिद्दी बड़ा है सुनता नहीं, रिश्तों की माला जा रही हो तुम? काफी परेशान लग रही हो वैसे। बड़ी हमदर्दी है मुझे तुम्हारे साथ। आसान नहीं होता ना अपना घर ऐसे छोड़ के चले जाना। हाँ जानती हूँ, इस पूरी दुनिया में तुम ही तो हो मेरी हमदर्द। वैसे मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी मैदान छोड़कर भाग जाओगे। वैसे कुछ हेल्प चाहिए तो मैं कर दूं, कुछ रह तो नहीं गया, अंदर ला दूं? हाँ। क्या? अपनी उतरन भूल आई। कैसी उतरन? मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो लिबास आज उतार फेंका है मैंने, तुम चाहो तो पहन सकती हो। वाकई सब खत्म हो गया? अदील मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गया? अब जिंदगी का एक नया अंदाज होगा। क्या यह नया अंदाज मेरी सोच के मुताबिक होगा? यह खूबसूरत शहर मुझसे बिछड़ रहा, लेकिन मैं उदास नहीं हूं, क्योंकि इस खूबसूरत शहर से वाबस्ता मेरी यादें खूबसूरत नहीं। हेलो अम्मा, कैसी हैं? अच्छा हम लंबी बातें ना बाद में करेंगे, अभी तो मैंने आपको एक खुशखबरी देनी है। वो ये कि गुलराना यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के कराची चली गई है। क्या? अरे क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, वो यहाँ से सब छोड़ के हमेशा के लिए चली गई है, कभी ना वापस आने के लिए। अरे पर ये हुआ कैसे? यही तो होना था, और क्या होना था। अच्छा चले, अब हम बाकी बातें ना बाद में करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ओ सुनो, पूरी बात नहीं बताती ये लड़की, हुआ कैसे ये सब? अर्शद साहब के मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए, उन्हें ब्लड कैंसर हो गया। संग दिल बनाए लम्हा हुआ है, वादों का दर्पण टूटा हुआ है। रिश्ता वो जिसको फूलों से बांधा, कांटों में अब क्यों उलझा हुआ है। बेगम साहिबा, ओ बेगम साहिबा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? बेगम साहिबा देखें तो सही, कौन आया है? वो कौन आया? गुलराना, क्या हाल है? मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए।
कैसी हो तुम? मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। ठीक हूँ। अम्मी और हमना कहाँ हैं? वो दोनों अशर भाई की शादी पर गए हैं ना, ऊपर नीचे फंक्शंस थे वहीं ठहर गए। मैं कमरे में जा रही हूँ। एक सेकेंड, क्या बात है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, कोई परेशानी है? अरे क्यों रो रही हो गुले राना? बोलो क्या हुआ? गुलाब खोर, राना के लिए पानी लेकर आओ। क्यों रो रही हो? बताओ मुझे क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं, नहीं। आदिल, सलाम अलैकुम आंटी। राना कराची में? क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता राना कहाँ है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो कराची पहुंच गई है। हाँ हाँ पहुंच गई है। जी आंटी थैंक यू, बस यही पूछना था। ओके मेरी बात तो काटती है। बुलाया था वो तुम्हें? अदील ने भेजा है? नहीं, हालात कुछ ऐसे हो गए थे, मुझे लगा कि मेरी अब उस घर में कोई जगह है नहीं। पर तुमने जगह बनाने की कोशिश नहीं? ये मुमकिन ही नहीं था। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। मैं तुम्हें वहां समझा के आया था कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसमें तुम्हारी ही भलाई है। बाबू प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां दोबारा जा सकूंगी। मैं दिल के साथ नहीं रहना चाहती। अच्छा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी जिंदगी के इतने अहम फैसले करने लगी हो, अगर मैं ये सब कुछ होने नहीं दूंगा। फैसला नहीं है, आपसे इल्तजा कर रही हूं। प्लीज। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो जा चुकी है? मुझे क्या पता था कि उसने तुम्हें नहीं बताया, मुझे तो यही लगा कि वो तुम्हें इन्फॉर्म करके गई होगी। इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है, कराची गई है तुम्हारे घर किसी के साथ, भाग नहीं गई। शट अप, मुंह बंद रखो अपना। तुम्हारी इतनी मोहब्बत क्यों जाग रही है उसके लिए? जूती की नोक पे रखती है वो तुम्हें। मैंने तुम्हें कहा ना अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी इन्हीं जहालत भरी बातों की वजह से मुझे तुमसे नफरत हो गई। उठो, जाओ जाके पैकिंग करो। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे, तुम जा रही हो कराची, वो भी अभी इसी वक्त। मैं कहीं नहीं जा रही और कराची तो बिल्कुल नहीं जा रही मैं। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, ठीक है? मेरी बीवी घर पे नहीं है, ये मामला बहुत खराब हो सकता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जाओ जाके अपने बैग पैक करो। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है। जब मैं एक औरत होकर ये सब फेस करने के लिए तैयार हूँ, तुम एक मर्द हो, तुम्हारी परेशानी की वजह मेरी समझ से बाहर है। देखो मेरी बात सुनो, तुम अपना मुंह पूरे खानदान में दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, ये बात मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ। और बाबा,
वो मुझे जान से मार देंगे। तुम्हें पता है सारे हंगामे की वजह से क्या होगा? वो हमें निकाह के लिए प्रेशराइज करेंगे। तो तुम नहीं जाओगी? नहीं। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जब मैं वापस घर आऊंगा ना, और अगर तुम मुझे यहाँ पे नजर आई, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं होटल में रहूंगा, लेकिन चल ही जाना यहाँ से। ये होटल में रात गुजारे या किसी पार्क में, कराची में तो सबको यही पता है कि हम दोनों इस घर में अकेले। मैं तो रह लूंगी यहाँ पे। अरे बंदर तो कुछ ज्यादा ही हो गए, कौन रहेगा यहाँ पे अकेला? अभी तो अंदर जा रही हूँ मैं। जफरी, कितनी देर पहले मैंने कहा था कि गोश्त सब्जी बाजार से लेकर आए ताकि मैं खाना बना लूं। अरे कब आएगा ये सब कुछ, कब खाना बनेगा? तुम चाह रही हो मैं बाजार से ये सब कुछ लेकर आऊं? तो और मैं क्या कह रही हूँ, अच्छा जा रहा हूँ लेने, मैं ही बच गया हूँ सारे काम करने के लिए। एक काम के लिए? मामू जान, मामू जान। क्या हाल है जफरी बेटा? जी ठीक। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मेरा भाई आया है, कुर्सी लाना बेटा। हैं? हाँ हाँ, आओ भाई आओ बैठो। थैंक यू। और कैसे हो? ठीक। जफरी मैंने काम कहा था बेटा, जा जा। इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आपा, बस आपसे एक बात करनी की थी। मारिया मरी में क्या कर रही है? क्या मतलब क्या कर रही है? वहां मेरे भतीजे अदील का घर है, वहां नहीं जा सकती क्या? वो भी ऐसे वक्त में जबकि गुलेराना वहां नहीं है, से वापस नहीं आ जाना चाहिए था। क्या गुलेराना वापस आ गई? हमें तो किसी ने नहीं बताया, और वैसे भी गुलेराना तो हमें कुछ बताना, हमसे बात करना तक गवारा नहीं करती है। आपको नहीं पता लेकिन मारिया तो जानती है ना, वो वहां क्या कर रही है, उसे वापस आ जाना चाहिए था। पहली बात तो ये कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि गुलेराना वापस आ गई है, और फिर अगर मारिया वहां रुकी है तो यकीनन अदील ने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसे वहां रोक लिया होगा। बुलाया भी उसी ने था बहुत इसरार करके। देखो कमाल, अदील तुम्हारा इकलौता बेटा है, लेकिन सुतेले भाई की बेटी की मोहब्बत में तुमने उसके साथ बहुत ज्यादती की है। जो भी है आपा, आप मारिया को वापस बुलाएं। जरा सोचे, अगर ये बात खानदान में फैलेगी तो कितनी बदनामी होगी। अदील तो मैरिड है, लेकिन मारिया के लिए ये बात अच्छी नहीं है। प्लीज मारी एक वापस बुलाए, मैं अदील से बात करता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें अदील से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लेती हूँ मारिया से बात। बेगम साहिबा आपका चाय। अभी चाय लेकर आई हो तुम? घंटों पहले बोला था मैंने, अब तो खाने का टाइम हो गया, इसीलिए अभी चाय आई ना। तुम्हें खाना ना देना पड़े मुझे, अजीब कामचोर किस्म के लोग हो तुम। बेगम साहब गैस नहीं आ रहा था ना। बहाने नहीं, मुझे खाना चाहिए, खाना लेकर आओ। ये क्या है, ये क्या है, ये टूटी हुई कुर्सियां रखी हुई तुम लोगों ने यहाँ? अजीब, फेंको जाके इन कुर्सियों को, लाओ यहाँ पे रखो कुर्सी। कामचोरी की भी इंतहा है, पता नहीं कब से टूटी हुई उठानी नहीं है। दिमाग खराब कर देते हैं अजीब कामचोर लोग। देखती हूँ किसका। मैं देखता हूँ। हेलो जी, अशर बात कर रहा हूँ। क्या एक्सीडेंट? जी जी आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ अशर? अम्मी अब्बा का एक्सीडेंट हो गया।
क्या एक्सीडेंट हो गया? खाला खाला अम्मी को संभालिए, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। अरे बेटा मैं साथ जाऊंगी। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। चलते हैं तुम्हारे साथ। नहीं नहीं आपकी जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो जाते ही फोन करो। मैं करता हूँ। मुनीरा मैं साथ जाऊंगी, मुनीरा मैं साथ जाने दो। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। कैसी ना हंजार औलाद, अब फोन ही नहीं उठा रही। अरे फोन उठा ले, फोन उठा ले। अम्मी अम्मी क्या है, मैं तो मजे से सो रही थी, आपने जगा दिया मुझे। शाबाश है तुम्हें, हमारी नींद उड़ाकर खुद मजे से सो रही हो। मैंने कहा नींदें उड़ा दी आपकी। अम्मी हजार बार मैंने आपसे कहा है छोटी छोटी बातों की टेंशन ना लिया करें। राना वापस कराची आ चुकी है और तुम वहां पर हो अदील के साथ, और फिर मुझे कह रही हो कि मैं टेंशन ना लूं। मेरा तो जी चाह रहा है कि अब तुम वापस आओ और मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूं। अम्मी ये जुल्म ना करना, पता है मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लोग आपके भतीजे पे तरस खाएंगे और कहेंगे कि हाय बेचारे को ना लंगड़ी दुल्हन मिल गई है। ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, आपकी बेटी ना तो बेवकूफ़ है और ना ही ऐसा कोई तरन वाला है जिसको हर कोई हजम कर जाए। आप बस टेंशन ना लें, मैं घर पे हूँ और अदील होटल में, कोई डेलीगेशन आया हुआ था उसका, उसके साथ बिजी है वो। अरे फिर भी मारिया, यहाँ तो सब लोग कुछ और ही समझ रहे हैं। अम्मी आपको मैंने कहा है आप टेंशन मत लें, बस तैयारियाँ शुरू कर दें मेरी शादी की। क्या अतील राजी हो गया? वैसे अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। और आप एक काम करें, मामू या जो भी कोई जिस भी किस्म की बातें करता है ना आपके साथ, उसको एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, ठीक है? और एक और काम भी करें, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दें। ओके अल्लाह हाफिज़। चीज़ों को टेंशन ले लिया। हेलो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी जी हम आ रहे हैं। क्या हुआ? अशर के वालिद खलील साहब फौत हो गए। बहुत अच्छे लग रहे हो आज, फिक्र नहीं करना किसी चीज की। तुम्हारा कमरा मैं अपनी आंखों के सामने खुद तैयार करवाऊंगा। कम से कम आज तो बाप को गले लगा लो। क्यों जिंदगी के हाथ से झूठे किनारे, डर है कहीं खो जाए ना अपने हमारे। मन माने ना